जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट। दिस इज अंकित। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने वाले थे उनमें आज के डेट में कई सारी लेटेस्ट अपडेट आई हैं। आपको इस अपडेट के बारे में जानना चाहिए। देखिए, मैं आपको इस जानकारी के बता दूँ, काफ़ी स्टूडेंट कर रहे थे कि आप एक ही अपडेट को बार बार क्यों कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ नई अपडेट आ रही है, आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आज की अपडेट सबसे धमाकेदार होने वाली, क्योंकि आप इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा टैबलेट दिया जाएगा और कौन सा स्मार्टफोन, उसकी प्राइस क्या होगी, उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो सब क्या होने वाली है। लेकिन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको वही मोबाइल दिखाएंगे जो आपको मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टडी पावर पॉइंट एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, जहां पर सभी कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। अपने ब्रांच और सेमेस्टर के अनुसार कोर्स को चूज कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रह गया है। ठीक है, चलिए अपडेट पे बढ़ते हैं। फटाफट से आप देखिए और एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करते रहिए। तो देख सकते हैं कैबिनेट के फैसले, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्या हाईलाइट किया गया है, दोनों ही गैजेट कई खूबियों से होंगे युक्त, और दूसरा यही कहा जा रहा है कंपनियों के चयन के लिए नियम तय किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे मोटे हेडिंग में लिखा जा रहा है आज के न्यूज़पेपर में, कहा जा रहा है युवाओं को अगले महीने बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। जी हाँ, इस महीने में कोई जो उम्मीद दिखाई जा रही, तो इस महीने नहीं, अगले महीने। अब देखिए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे ना जो टैबलेट दिया जाएगा उसकी कीमत अप टू 1,00,000 रुपए तक होगी। देखिए, 1, 2, 3 रुपए की बात नहीं हो रही है, 1,00,000 रुपए तक की बात हो रही है। साथ में अगर हम बात करें टैबलेट स्मार्टफोन की, तो ये भी 2-4 रुपए का नहीं है, पूरे 9,000 रुपए तक की स्मार्टफोन। हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कौन सा आपको मिलने वाला है ये स्मार्टफोन, हमारे पास भी कुछ चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं सीधे सीधे अपडेट आ रही है यहां पर। ठीक है, यहां पर अपडेट आ रही है, आप देख सकते हैं सीधे कहा जा रहा है योगी सरकार अगले महीने से स्मार्टफोन और टैबलेट को बांटने जा रही है। यह गैजेट कई खूबियों से युक्त होंगे। मंगलवार को कैबिनेट में 90 दिनों में 2.40 लाख टैबलेट, ठीक है, टैबलेट पीसी व 3.50 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए कंपनियों का चयन करने के लिए टर्म एंड कंडीशन यानी नियम शर्तें तय कर दी गई है। इससे संबंधित बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी गई है। 25 नवंबर तक कंपनियों का चयन कर उन्हें अलग अलग आपूर्ति का जिम्मा दिया जाएगा। युवाओं को 1,00,000 रुपये का टैबलेट, ठीक है, और 9,000 रुपए का स्मार्टफोन दिया जाएगा। अब भाई, जिसको टैबलेट मिलेंगे उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे जिसके स्मार्टफोन मिलेंगे उसके तो भाई पूछो ही मत। हालांकि जहां कुछ नहीं वहां स्मार्टफोन ही बहुत है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें क्या क्या चीजें भरी रहेंगी, आपके जो टैबलेट वगैरह मिलने वाले, स्मार्टफोन मिलने वाले, समझिए। टैबलेट पीसी व मोबाइल फोन की खासियत, टैबलेट पीसी में 2 GB की रैम होगी, 5 MP का रियर कैमरा, 2 MP का फ्रंट कैमरा, इसकी बैटरी होगी 5000 mAh की या अधिक क्षमता की हो सकती है। 5000 से ज़्यादा भी आई क्या रही, 7000 तक जा रही है, लेकिन 5000 बहुत होता है। ठीक है, इसमें ब्लूटूथ व GPS की भी सुविधा उपलब्ध होगी। स्मार्टफोन 6 इंच या उससे ज़्यादा होगा, 32 GB की स्टोरेज क्षमता होगी और इसमें 8 MP का रियर कैमरा व 5 MP का फ्रंट कैमरा होगा। इसकी 1 साल की वारंटी होगी, हर जिले में सर्विस सेंटर होंगे और साथ में देख सकते हैं औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स हो या फिर JEE NEET, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप के साथ आप किसी भी समय 3 स्टेप में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन पर आना है और प्ले स्टोर पर सर्च करने हैं फिलो ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके साइन अप कर लेना है, फिर अपने उस क्वेश्चन की आपको पिक लेनी है, या फिर उसे टाइप कर सकते हैं या फिर गैलरी से लेकर के उसको अपलोड करना है। 60 सेकंड के अंतर्गत एक्सपर्ट आ करके वीडियो कॉल के जरिए आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आपके क्वेश्चन में आप मैं कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। आपूर्तिकर्ता कंपनियों को आवंटित जिले में अनिवार्य रूप से सर्विस सेंटर खोलना होगा, जो भी कंपनी इसको बनाएगी, ठीक है, सभी जिलों में।
24 घंटे वाली, ठीक है, सॉरी, हाँ देख सकते हैं 24 घंटे वाली हेल्पलाइन भी चालू करनी होगी ताकि टैबलेट व स्मार्टफोन पाए जाने वाले युवक संपर्क कर सके। अब देखिए हम इसकी खासियत कुछ आपको बता दें कि देखिए ना तो इसमें सर्विस सेंटर अच्छे से काम कर पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा स्मार्टफोन आएगा तो अच्छे से काम नहीं हो पाता। मैं आपको नॉर्मली बता दूँ, जब नॉर्मली हम लोग की स्मार्टफोन बिगड़ जाते हैं, जान लीजिए आपके पास Xiaomi का फ़ोन है या फिर रियलमी का कोई भी फ़ोन है, अगर वो बिगड़ जाता है आप एक बार जाइए वहाँ पर सर्विस सेंटर तो बताएगा कितने दिन लगेगा। लगभग मेरा एक बार बिगड़ गया तो 1 महीने प्लस मुझे लग गए थे सिर्फ एक बार बनवाने में। तो इस तरीके से आप तो वहाँ पे आप पैसे देख रहे हैं तो बहुत कम सर्विस सेंटर पे आते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके के छोटे मोटे चीज़ें गैजेट मिलेंगी 2GB RAM करके तो और जल्दी मुझे लगता है ख़राब होगा, ठीक है। और जब ऐसे ख़राब हुआ तो आपको दौड़ना ही पड़ेगा, इस वजह से सब कुछ की जा रही है, बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोन पर योजनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं क्या है। इस योजना का मकसद तकनीकी सशक्तिकरण व शिक्षा के उपयोगी डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना। आपूर्तिकर्ता कंपनी फ्लैश मैसेज, ठीक है, ऐप का उपयोग करेगी। युवाओं को इन्हीं गैजेट पर सरकार की योजनाएं रोजगार परक जानकारी भी जाएगी। युवा वर्ग के ध्यानार्थ, ठीक है, वॉलपेपर भी भेजे जाएंगे। हर जिले में 3 से 4 स्थानों पर इसका वितरण होगा। देखिए ये सबसे काफ़ी अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि आप वाराणसी से हैं या फिर आप गाजीपुर से हैं या फिर आप नोएडा जैसे शहर से हैं या फिर लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं, इस तरीके से सहारनपुर से, अगर आप इस तरीके से सिटी से हैं, कहीं से भी हो, तो हर जिले में 3 से 4 जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, वहां से आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें रही है इससे जुड़ी हुई, आपको कुछ नया जरूर जानने को मिला होगा क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, और देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और नीचे भी लिखी गई हैं, इसको समझ लीजिए। इस खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस प्रकार टैबलेट पीसी की वह बिड जो है 2,500 करोड़ रुपए की, वह स्मार्टफोन की 2,250 करोड़ रुपए होगी। सरकार की कोशिश है कि 3-4 कंपनियों का चयन किया जाए ताकि बड़ी आपूर्ति, ठीक है, का काम कम समय में किया जा सके। अगर 2 से 3 कंपनियाँ बिड में सफल होंगी तो सरकार को 4.80 से 7.20 लाख टैबलेट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर 2 कंपनियां भी बिड में कामयाब होती हैं तो 7 लाख स्मार्टफोन उपलब्ध हो सकेंगे। यह भी तय किया जाएगा कि OEM के 1 से अधिक डीलर अलग अलग मॉडल के बिड में भाग ले सकेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने जब अखिलेश सरकार थी उन्होंने क्या किया था, आपको लैपटॉप दिया था, तो उसमें भी कई तरीके के प्रोसेसर से होकर के वो आपको लैपटॉप मिल रहे थे, उसी तरीके से इसमें भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। बाकी आप सबको पता ही है सब कुछ क्या मिलने वाला, और इस तरीके का अगर आपको 1 लाख रुपए वाला भाई मिल जाए जिसको टैबलेट, तो उसके तो भाई बहुत मजे हैं। हालांकि नॉर्मल भी मिल जाएगा अगर टैबलेट ना, पढ़ने में बहुत मज़ा देता है, मैंने देखा थोड़ी बड़ी स्क्रीन होती है, लेकिन मोबाइल से उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, बट कोई बात नहीं, जहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ तो मिल रहा है ना कुछ ना कुछ। तो आप देख सकते हैं यह रही है अपडेट आज की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करके जाए, और साथ में अगर अभी तक आपने स्टडी पावर पॉइंट के एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कीजिए, क्लास लीजिए और पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।